मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ एमएस वर्ड के इस जो है नवे क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। मैं एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। एमएस वर्ड जो है ओपन हो गया है। एमएस वर्ड ओपन हो जाने के बाद से जो है हमें क्या जानना है, तो मैं कुछ मैटर यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू आर ए एन डी, रेंड मैंने प्रेस करके, और उसके बाद से मैं यहाँ पर पांच पैराग्राफ ले ले रहा हूँ और मैं इसकी साइज बढ़ा ले रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से। तो ये पांच पैराग्राफ जो है मेरे स्क्रीन पर आ गए हैं, ठीक है। तो पांच पैराग्राफ आ गए हैं, तो अब क्या, तो जैसे मान लीजिए मैं किसी भी एक शब्द पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ देखिए मैंने एक शब्द को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ। इस शब्द को मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब मैं लिखना चाहता हूँ माई एम वाई, तो शब्द तो सेलेक्टेड था, तो मैं चाह रहा था कि उसी के जगह पर जो मैं एम वाई लिख रहा हूँ वो वहां टाइप हो जाए। मतलब वीडियो शब्द सेलेक्टेड था और जब मैं टाइप कर रहा हूँ माई एम वाई तो वो उसके जगह पे टाइप होना चाहिए, लेकिन वो उसके जगह पे टाइप नहीं हुआ, उसके पहले टाइप हो गया। फिर से आप देख ले, मैं इसको वीडियो शब्द को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ विदानश्री, वी ई डी ए एन डी एस आर आई। तो आप देखें ये वीडियो शब्द जो है वो उसके जगह पर रिप्लेस नहीं हो रहा है, मतलब ये जो विदानश्री शब्द है उसके जगह पर रिप्लेस होना चाहिए था। तो ये कैसे हो रहा है कि मतलब किसी शब्द को आप जो है सेलेक्ट रखिए और वहां पर अगर मैं ए लिख रहा हूँ तो ए उसके पहले टाइप हो जा रहा है। आप देखें ए उसके पहले टाइप हो रहा है और जो सेलेक्टेड शब्द है वो रिप्लेस नहीं हो रहा है। तो इस सेटिंग्स को कैसे इनेबल करते हैं, इसको कैसे डिसेबल करते हैं, बाय डिफॉल्ट तो ये इनेबल रहता है, लेकिन एक्चुअली ये सेटिंग होता कहां पर है, आई मैं आपको इससे दिखाता हूं। तो मैं अल्ट एफ टी प्रेस करूंगा, अल्ट एफ टी प्रेस कर देने के बाद से आप जो है आपके सामने वर्ड ऑप्शन खुलेगा, आपको चलना है एडवांस, एडवांस में सबसे ऊपर जो एक ऑप्शन दिया है टाइपिंग रिप्लेसेज सेलेक्टेड टेक्स्ट, बस इस पर आप जो है चेक कर दीजिए। अगर ये अनचेक है तो फिर जो है ये काम नहीं करेगा, बस इसको चेक रखिए। इसका मतलब ये है कि जो भी सिलेक्टेड रहेगा कुछ भी टाइप करेंगे तो उसके स्थान पर टाइप होगा, उसके स्थान पर रिप्लेस हो जाएगा। तो मैंने इसको चेक कर दिया, अब ओके करता हूं। अब मैं जाकर के जो है वीडियो शब्द को या किसी भी शब्द को, डॉक्यूमेंट के किसी भी शब्द को अब सिलेक्ट रखिए और मैं एम वाई माई लिख रहा हूं। अब देखिए वीडियो शब्द वहां से चला गया और उसके स्थान पर जो है दूसरा शब्द टाइप हो रहा है। पावरफुल कमेंट सेलेक्ट करके मैं उसके जगह पर मैं टाइप कर रहा हूं वेदांश्री, ये देखें तो उसके स्थान पर टाइप हो रहा है। तो ये सेटिंग है, इस सेटिंग की मदद से जो है आप जब भी जैसा उपयोग हो उस तरीके से सेटिंग को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। आपने इसको देख लिया, इसको समझ लिया, चलिए अब हम दूसरी चीज को जो है देखते समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस समय पावरफुल पे हूं और पावरफुल का मैं कलर चेंज करना चाहता हूं या किसी भी वर्ड का मैं कलर चेंज कर सकता ये डॉक्यूमेंट का, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे शब्द को जब तक सेलेक्ट ना करें तब जाकर के आप जो है जाएं और कलर पे क्लिक करें तो कलर चेंज हो, या बैकग्राउंड पे क्लिक करें तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो, या फिर जो है जब पूरा सेलेक्ट रहे तब बोल्ड हो, इटैलिक हो, या फिर कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तब स्टाइल चेंज हो। तो ये जो है जब पूरा शब्द सेलेक्ट रहेगा तभी होगा। अब मैं सिर्फ इस शब्द के बीच में कहीं पे भी रहूं, मेरा कर्सर बीच में कहीं पे भी रहे, और फिर अगर मैं जाके कलर मैं लेना चाहूं, देखिए मैं कलर ले रहा हूं कोई कलर ही चेंज नहीं हो रहा है, मैं जो है इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूं तो भी नहीं हो रहा है, अंडरलाइन इटैलिक बोल्ड स्टाइल वर्क कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब तक मैं शब्द को सेलेक्ट नहीं किए हूं, जब तक मैं शब्द को मैंने सेलेक्ट नहीं किया है तब तक जो है वहां पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो है जो भी शब्द है आप जब तक सेलेक्ट नहीं रख रहे हैं तब तक जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो बिना सेलेक्ट किए अगर मैं सिर्फ शब्द पर ही हूं, सिर्फ मैंने क्लिक किया हुआ है, सेलेक्ट नहीं किया है, फिर भी मैं किसी स्टाइल को अप्लाई करना चाहता हूं, कलर इफेक्ट साइज को अप्लाई करना चाहता हूं, तो कैसे हो ये सेटिंग, कैसे आप इनेबल करेंगे, तो उसके लिए फिर से चलते हैं हम लोग। अल्ट एफ टी प्रेस करेंगे और हम आ गए वर्ड ऑप्शन में। आपको आना है यहाँ पर एडवांस, एडवांस में आकर के यहाँ पर दिया हुआ है एक ऑप्शन जिसका आप यूज करेंगे, व्हेन सेलेक्टिंग ऑटोमेटिकली सेलेक्ट एंटायर वर्ड, बाय डिफॉल्ट ये चेक रहता है, लेकिन जो है जरूरत पड़ने पर आप इसे इस सेटिंग्स को समझ लें कि इसको कब रखना है कब नहीं रखना है। आप इसको बस चेक कर दीजिए, व्हेन सेलेक्टिंग ऑटोमेटिक सेलेक्ट एंटायर वर्ड, मतलब अगर आप सिर्फ क्लिक किए हुए हैं तो समझिए पूरा का पूरा शब्द सेलेक्टेड है। अब मैं जो इसको ओके कर दे रहा हूं, अब मैं चलता हूं कि इस शब्द पे डॉक्यूमेंट पे ही रहूंगा, अब मैं जाके कलर लूंगा, देखिए पूरे शब्द पे अप्लाई हो रहा है। मैं जा करके जो है मैं बोल्ड कर दे रहा हूं, पूरा शब्द बोल्ड हो रहा है, पूरे शब्द इटैलिक हो रहा है पूरे। तो आप ये देख सकते हैं जो है किसी एक शब्द पे रहिए तो मतलब आप समझिए उस शब्द को पूरा आपने सेलेक्ट कर रखा है, आपका कर्सर उस शब्द के किसी भी अक्षरों के बीच में रहे, लेकिन उसका मतलब यह है कि आपका पूरा पूरा शब्द सेलेक्टेड है, आपको जो है पूरे शब्द सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है अगर उसमें किसी प्रकार के इफेक्ट अप्लाई करने हैं। तो आपने इसको भी देख लिया, इसको समझ लिया। अब मैं आइए आपको अगली चीज बताता हूं। आपको पता है जब आप किसी शब्द पे कोई लिंक क्रिएट कर देते हैं, लिंक क्रिएट क्या होता है, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं वीडियो शब्द पे, या फिर मैंने यहां पर वेदांश्री लिखा है, मैंने यहां पर वेदांश्री लिखा है, और किसी कोई अगर चाहता है कि वेदांश्री शब्द पे क्लिक करे तो वेदांश्री की वेबसाइट खुल जाए, ठीक है। तो आप इस पर लिंक दे सकते हैं, कैसे लिंक दे सकते हैं, तो इस शब्द को सेलेक्ट करिए, मैं शब्द को सेलेक्ट कर ले रहा हूं वेदांश्री शब्द को, वेदांश्री शब्द को सेलेक्ट करिए, उसके बाद कंट्रोल के प्रेस करिए, कंट्रोल के प्रेस करेंगे आपके सामने इंसर्ट हाइपरलिंक का ये विंडो खुलता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ नीचे देखिए एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ एड्रेस, एड्रेस के आगे जो है आप उसकी वेबसाइट टाइप कर सकते हैं। मैं वेबसाइट टाइप कर दे रहा हूँ वेदांश्री का, https https
यहाँ पर स्लैश फॉरवर्ड स्लैश वेदांश्री डॉट नेट, यहाँ पर पहले से दिया हुआ था, आ गया। अब मैं ओके कर दे रहा हूँ। अब मैं इस पे जा करके और जो है देखिए मेरा डायरेक्ट, मैं कंट्रोल बटन प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कीबोर्ड भी यहाँ पर ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। कीबोर्ड का जो है ओएस के आप जानते हैं इसका, मैं कंट्रोल बटन प्रेस नहीं, बिना कंट्रोल बटन प्रेस किए मैं इस पर लेकर के जा रहा हूँ, मैं इस पर लेकर के जा रहा हूँ, तो आप देखिए इस तरह हाथ बन जा रहा है। और जब मैं क्लिक करूंगा तो ये वेदांश्री की वेबसाइट भी जो है ओपन हो जाएगी, किसी न किसी ब्राउजर में जो है ये आपको ओपन होते हुए दिखेगी। और ये देखें ये ओपन हो चुका है यहाँ पर वेदांश्री की वेबसाइट, वेदांश्री डॉट नेट की जो है वेबसाइट यहाँ ओपन हो गई है। तो बिना कंट्रोल बटन प्रेस किए कैसे क्लिक हो जा रहा है, जबकि आप जानते हैं कि जो है अगर किसी भी लिंक, किसी शब्द पे आपने लिंक दिया है और उस पे अगर आपको जाना है तो कंट्रोल बटन बिना प्रेस किए नहीं होता है। तो ये सेटिंग कहां से मैंने इनेबल किया है, तो आपको फिर से मैं लेकर चलता हूं अल्ट एफ टी में। यहां पर जो है आपको चलना है एडवांस, एडवांस में यहां ऑप्शन दिया है यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक। अगर बाय डिफॉल्ट ये चेक रहता है, हमेशा यहां पर चेक रहता है, अगर ये चेक रखेंगे तो जो है आप क्लिक करेंगे तो ऐसे क्लिक नहीं होगा जब तक कि आप कंट्रोल बटन नहीं प्रेस करेंगे। कंट्रोल बटन देखिए मैंने प्रेस किया, मैं कीबोर्ड दिखा दे रहा हूं, मैं कंट्रोल बटन देखिए यहां प्रेस कर रहा हूं। कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद जो है जब मैं क्लिक कर रहा हूं और जब यहां पर जा रहा हूं इस लिंक पर, इस शब्द पर अगर लिंक लगाया जा रहा हूं तब जाकर हाथ बन करके आ रहा है और क्लिक करूंगा तब ये क्लिक होगा। और कंट्रोल मैं छोड़ दूं, मैं यहां कंट्रोल छोड़ दे रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं तो देखिए यहां पर क्लिक करने का कोई भी मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये लिंक बता ही नहीं रहा है क्लिकेबल है कि नहीं है। तो ये चीज आपने देख लिया, इसे भी आपने समझ लिया कि जो है आप बिना कंट्रोल के अगर क्लिक करना चाहते हैं किसी भी लिंक को फॉलो करने के लिए, कोई भी शब्द पे आपने लिंक दिया है उस पर जाने के लिए, तो आप Alt F T प्रेस करके उसके बाद जाइएगा और एडवांस में जाकर के इस ऑप्शन को आप हमेशा अनचेक कर दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहां पर एक और जो है एक ऑप्शन दिया, अलाउ टेक्स्ट टू बी ड्रैग्ड एंड ड्रॉप। मतलब क्या होता है कि अगर इस ऑप्शन को चेक रखेंगे, ये हमेशा चेक ही रहता है, तो क्या होगा किसी भी शब्द को सेलेक्ट करिए, जैसे मैं इसको ये प्रोवाइड शब्द सेलेक्ट किया, अब मैं इसको पकड़ करके चाहूं कहीं भी लेकर जा सकता हूं, मैं इसको पकड़ूंगा ड्रैग करके और देखिए मैं इसको एकदम स्टार्टिंग ला दिया, देखिए ये वर्ड यहां पर आ गया, यहां से ये मूव हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी शब्द को क्या कर सकते हैं पकड़ करके और जहां भी ले जाना हो आप ले जाइए, वहां पर अब अपने माउस का जो है लेफ्ट बटन प्रेस किया हुआ आपने इसको छोड़ दीजिए, देखिए शब्द यहां पर आ गया। तो ड्रैग कर सकते हैं आप किसी शब्द को पढ़कर, ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप उसको Alt F T प्रेस करके एडवांस में आइए और इस ऑप्शन को जो है अलाउ टेक्स्ट टू बी ड्रैग्ड एंड ड्रॉप, इसको अनचेक करिए, ओके करिए। अब जो आप किसी शब्द को सेलेक्ट करके और ले जाना चाहेंगे, देखिए जा ही नहीं रहा है, उसके बजाय पूरा सेलेक्ट होने लग रहा है, देखिए ना जा ही नहीं रहा है। मैं लेफ्ट बटन प्रेस करके और इस शब्द को सेलेक्ट करके ड्रैग कर रहा हूं, घसीट रहा हूं, लेकिन आ नहीं रहा। तो आप जो है इस ऑप्शन को Alt F T प्रेस किया, मैं एडवांस में आ गया, इस ऑप्शन को आप देख लीजिए कैसे आपको यूज करना है, जब जरूरत पड़े तो इसको ऑन रखिए, नहीं जरूरत पड़ती है तो इसको आप अनचेक करके इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। एक और ऑप्शन यहां पर देख लीजिए, ऑटोमेटिकली क्रिएट ड्रॉइंग कैनवास व्हेन इंसर्टिंग ऑटो शेप। ये क्या होता है कि अगर आपने इस पर चेक किया हुआ है तो आप जैसे ही किसी शेप पे क्लिक करेंगे उसके लिए एक कैनवास जो है इंसर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो है आप शेप क्रिएट करने से रिलेटेड जो है आपके सामने एक शेप बॉक्स आ जाएगा। तो वैसे तो जो आप जब आप शेप पर क्लिक करते हैं, मैं अभी बिना उसको इंसर्ट किए मैं दिखाता हूं, मैं जा रहा हूं किसी शेप पे, मैं क्लिक कर रहा हूं, क्लिक करने पे भी कुछ आया नहीं, जब तक आप ड्रैग नहीं करेंगे तब तक जो है शेप भी ड्रॉ नहीं होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि पहले एक कनवास आ जाए, उस कनवास में आप इसको ड्रॉ करें, तो बस उस ऑप्शन को चेक करिए। मैं चलता हूं Alt F T प्रेस करके और यहां पर मैं आ गया एडवांस में, चलूंगा और इसको मैंने चेक कर दिया, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिएट ड्रॉइंग कनवास व्हेन इंसर्टिंग ऑटो शेप। अब देखिए क्या होगा, अब मैं कहीं पे भी जो है अगर मैं जा करके और जैसे इस किसी शेप पे क्लिक करूंगा, मैंने इस पर क्लिक किया, यहां पर जाइए, जैसे आप क्लिक करेंगे अपने आप यहां पर देख लें एक जो है एक कनवास यहां पर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर आप ड्रॉ करिए आपको जो ड्रॉ करना है, ठीक है, आप देखें अब इसके अंदर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है, फिर से मैं इसको डिलीट करके आपको दोबारा करके दिखाता हूं। मैं गया और यहां शेप पर जा करके जैसे मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करते ही यहां पर जो है एक कनवास चारों तरफ से एक जो है यहां पर शेप बॉक्स आ गया है और शेप बॉक्स आ चुका है, यहां पर जो है फॉर्मेट मेन्यू भी खुल चुकी है। अब आप उस शेप को ड्रॉ करिए, आपने जो शेप लिया हुआ था, आपने सर्कल लिया था, शिफ्ट बटन प्रेस करके ड्रॉ करेंगे तो गोल ड्रॉ होता है, शिफ्ट छोड़ करके ड्रॉ करेंगे तो एलिप ड्रॉ हो जाएगा, ये अंडाकार ड्रॉ हो सकता है, जैसे भी इसको ड्रॉ करना है ड्रॉ करिए। तो ये एक जो है आपको वहां पर, तो इस तरह के आपने ढेर सारे आज सेटिंग्स देखें किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना है, आप इनका अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करिए, चीजों को सिर्फ जानकारी में नहीं अपने कमांड में लाइए कि जब भी जरूरत पड़े डॉक्यूमेंट बनाने के दौरान तो जो है आपको वो सब चीजें आपके मस्तिष्क में रहे और उसका जो है जहां भी जरूरत हो वहां पर इस्तेमाल कर सकें। अगर कोई प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट करिए, जहां पर मैंने बताया था अभी आपको, मैंने वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कहां को कमेंट करना है, तो इस वीडियो के ठीक नीचे वहां पर जाके कमेंट करिए, और अगर किसी प्रकार के प्रश्न है तो उसी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।